आ रही है शर्म, तुम कहो तो नहीं बनाऊ। पीछे का व्यू चेक करो जरा, बच्चे नहाने भी आते हैं और हम भी यहाँ बहुत बनाए हुए हैं। और इधर भाई का स्ट्रगल देखो, सॉक्स गीले हो चुके हैं, गीले हो चुके हैं। दिखा नहीं पाया क्योंकि कोविड की वजह से पानी के अंदर जाना थोड़ा अलाउ कम। अभी हम आ रखे हैं गंगूकुंड उदयपुर में, और सीन ये कि ये ब्लॉग आज घर से शुरू नहीं हुआ, ये ब्लॉग यहाँ से शुरू हुआ क्योंकि हमने सोचा थोड़ा छोटा कंटेंट मतलब बनाते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं थोड़े थोड़े। तो अंदर चलते हैं, अंदर के सीन दिखाते तुम्हें, थोड़ा इसका इतिहास के बारे में बताते, वैसे मुझे पता नहीं अंदर कहीं लिखा होगा, तुम्हें दिखा दूंगा। और आज मेरे साथ राजेंद्र और रोहित भाई, ये नए हैं, और लव भाई को तुम जान रहे होगे इस वाले ब्लॉग में तुमने देखा होगा, और रोहित भाई अपना मास्क तो हटाओ एक बार। ठीक है रोहित भाई, कैमरे में थोड़ा हाथ पांव हिला दो। ठीक है, तो अभी हम अंदर जा रहे हैं, अंदर जाके सीन चेक करते हैं कैसा है क्या है। और इनको थोड़ी सी शर्म आ रही है, आ रही है शर्म, तुम कहो तो नहीं बनो। बोल भी नहीं रहे। और अभी अंदर की ओर जा रहे हैं, बाहर से कुछ सीन ऐसा है देख लो, इधर सब ऐसा छतरी या फिर जो भी तुम बोलो वो है, और इधर बाकी सब सीन इधर। अब अंदर जाके देखते हैं कैसा है, मतलब वैसे तो मैं तो जा चुका हूँ पर तुम्हें घुमाने के लिए लेके जा रहा हूँ, तो तुम्हें दिखाता हूँ कैसा है। तो गाइस यहाँ पे हम आ चुके हैं, और यहाँ के ज़्यादा मुझे इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं, तो इधर थोड़ा बहुत कुछ लिखा हुआ चेक कर लो जरा। गाइस यहाँ पे पानी वानी सीन है, यहाँ पे बच्चे नहाने भी आते हैं और हम भी यहाँ बहुत बार नहाए हुए हैं, पर अभी कोविड का सीन चल रहा है तो यहाँ कोई नहाने वाला सीन नहीं है, बाकी मैं तुम्हें नहा के और ज़्यादा इन्जॉय दिलाता, पर ठीक है बढ़िया है। आगे तुम्हें कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है नहीं बोलोगे वो ज़्यादा शर्मा। गाइस यहाँ नीचे की तरफ एक शिव जी भगवान का मंदिर है, और जहाँ पे हम दर्शन करने हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा कुंड और पीछे की ओर है जो उस बड़े कुंड से कनेक्ट है, वहाँ से पानी इस तरफ आता है, और यहाँ पे एक शिव जी भगवान का मंदिर है बढ़िया सा। और इधर भाई का स्ट्रगल देखो, सॉक्स गीले हो चुके हैं। यहाँ पे मंदिर में बहुत ज़्यादा ठंडक ठंडक है, और यहाँ पे जो शिव जी भगवान की मूर्ति है वैसी वैसी पानी के बीच में उस कुंड में भी थी, और जो कि मैं तुम्हें दिखा नहीं पाया क्योंकि कोविड की वजह से पानी के अंदर जाना थोड़ा अलाउ कम है इसलिए। और बाकी इस जगह पे गंगा जी का चौथा पाया ऐसा कुछ भी बोला जाता है, तो मतलब यहाँ कुछ पिंडदान और भी चलते रहते हैं, तो वो भी यहाँ करवा सकते हैं अगर कोई किसी को करवाना हो तो। बाकी सब बढ़िया है, और मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस जगह के बारे में इसलिए सिनेमेटिक डाले जा रहे हैं इस जगह के, बस ज़्यादातर सिनेमेटिक बना रहे, बाकी सब बढ़िया। भाई यहाँ पर पीछे का व्यू चेक करो जरा, कितना मस्त आ रखा है। यहाँ पे हमने थंबनेल के लिए फोटो ले लिए, हर वीडियो में बोलता हूँ पर इस वीडियो में बोल रहा हूँ, आगे से लोग मुझे देख रहे हैं पर सीन चलता है, अब तो रोज का हो गया है। और फोटो हो गए भाई, बहुत से कबूतर है, उड़ जाए तो एकदम अलग ही सिनेमेटिक हो जाए, पर ये उड़ भी तो नहीं रहे। गाइस अभी हम जा रहे हैं घर के लिए, बस यहाँ का सीन यही था, मतलब ये सब छतरी वजह थी, मतलब उस साइड जाना अलाउ तो यानी बीच में लोहे के लगे हुए थे तो उस तरफ जाना तो अलाउ था नहीं, तो हमने इस तरफ थोड़ा थोड़ा कवर किया, बीच में वो पानी का सीन था और मंदिर थे दो तीन जिसमें दर्शन किए और थोड़े थोड़े सिनेमेटिक दिखाए, और बाकी वहाँ का थोड़ा इतिहास था उसका तुम स्क्रीन शॉट देख लेना, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी थोड़ा बहुत लिख दूंगा, मतलब मैं प्रॉपर बोल के तो नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है, और मैं थोड़ा शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि एक्सपेरिमेंट पहले तुम्हें मैंने बोल दिया था। अभी हम घर के लिए जा रहे हैं। ये पेड़ देखना कैसा है, ये पेड़ अजीब ही। तो गाइस गंगूकुंड कुछ पीछे से ऐसा दिखता है, और ट्रैफिक में भी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ क्योंकि पीछे का व्यू मैं अगर आगे जाके बताऊंगा तुम समझ नहीं पाओगे, अगर ठोकर से तुम आइनॉक्स की तरफ जाते हो तो पीछे तुम्हें ऐसा दिखेगा, और मेन गेट यही है, तुम यहाँ से अंदर जाके थोड़ा सा देख सकते हो, मतलब अच्छा व्यू है फोटो वोटो खिंचवाने के लिए, और कुछ अगर तुम्हें देखना हो अंदर देख लेना मस्त है, बाकी जितना मैंने दिखाया था उतना ही है यहाँ पे, बाकी सब
बढ़िया।